हेलो गाइस, आज की वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था केयरिंग एंगल के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि केयरिंग एंगल को आप कैसे ठीक करें, कौन कौन से एक्सरसाइज करें, केयरिंग एंगल के परफेक्ट एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, राइट। तो इस पर मैंने पूरा डिटेल में बनाया था। तो इस वीडियो पे बहुत आप लोगों का प्यार भी आया और ये वीडियो वायरल भी हुआ है मेरा, ठीक है। और इस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो कमेंट्स ये आ रहे थे कि सर केयरिंग एंगल मैं कैसे ठीक करूँ या कितने दिन मैं एक्सरसाइज करूँ ताकि केयरिंग एंगल मेरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि केयरिंग एंगल जो है वो एक दो दिन या एक दो सप्ताह में ठीक नहीं होने वाला है, राइट। और केयरिंग एंगल में भी बहुत तरह की बीमारी होती है, जैसे एल्बो प्रॉब्लम हो गई, केयरिंग एंगल प्रॉब्लम हो गई। अब केयरिंग एंगल में आपका कितना डिग्री का केयरिंग एंगल है इस पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। और जो जितनी डिग्री का है उसे ठीक होने में उतना ही टाइम लगता है। केयरिंग एंगल में एक आपका होता है हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम्स, ये भी बीमारी होती है, ठीक है, वल्गस की बीमारी। तो आपके जो ये दोनों हाथ हैं, ठीक है, इन दोनों हाथों में बहुत तरह की अलग अलग जो है प्रॉब्लम आती है और देखने को मिलती है। और इंडियन आर्मी चाहे किसी भी डिफेंस में आपके जो है ये जो दोनों हाथ हैं इसमें अगर इस तरह की कोई ना कोई बीमारी है तो आपको मेडिकल में पॉइंट दे दिया जाता है। और फिर आपको मेडिकल में पॉइंट मिलता है और आप बिल्कुल घबरा जाते हैं और आपको लगता है कि मैं जल्दी कैसे ठीक कर लूँ, ठीक है। और फिर आप बहुत तरह की जो है सो वीडियोज़ किन्हीं का देखते हैं और आप जो है सो उस वीडियोज़ को देख के अगर कोई अच्छे बता दिए तो आपको लगता है जल्दी ठीक हो जाएंगे, कोई कुछ बता दिए तो आपको लगता है ठीक नहीं होगा। तो ये आपके अंदर जो प्रॉब्लम है आज मैं इसी को सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपके शरीर में पूरी बॉडी पार्ट में जो भी प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं बताया ना कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होना है। लेकिन हाँ, ये सॉल्यूशन करने के लिए आपको सही जगह पर जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो पाएगा, राइट। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने वो जो एक्सरसाइज बताया, मैंने उसमें जो केयरिंग एंगल के बारे में बताया, साथ में जो एल्बो के बारे में बहुत सारी जो वीडियो में बनाया है, उस वीडियो में जो कमेंट्स मुझे आ रहे थे तो मैंने उसमें बताया था कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ठीक है, और वहाँ पर आप मुझे बताएं। तो कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किए और वहाँ पर जो है मुझे वो बताए आपके जो हाथ का प्रॉब्लम था वो मुझे फोटो सेंड किए। तो मैंने उस जो है सो प्रॉब्लम को देख के उनको ये बताया कि आपको किस तरह की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। तो अब उनको कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए या जो उनको प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज से ठीक होगा या कुछ और करना है, तो मैंने उनको सजेस्ट किया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कि वो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए या तो फिर वो डायरेक्ट वीडियोस देख के और एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीमारी उनको कुछ और है और एक्सरसाइज कुछ और कर रहे हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद कमेंट्स करते हैं कि सर कितने दिन में ठीक होंगे। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, चाहे मेरे वो भाई हैं या बहन हैं, सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप कन्फर्म है कि मेरे को यही प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज करें, ठीक है। अगर उससे ठीक नहीं हो रही तो एक बार आप डॉक्टर से भी दिखवाएं। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं फिर से बताऊं कि आप जो है सो पर्सनल मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है आइडियल पांडे, ठीक है, वहां पर जाके मुझे फॉलो करें। उसके बाद आप जो है सो आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका एक फोटो ले और आप मुझे फोटो सेंड करें, मैं फोटो को देखूंगा, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊंगा और उसके हिसाब से मैं आपको एक्सरसाइज या कुछ फील्स वगैरह होंगे वो मैं आपको बताऊंगा या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए क्या आपको करना चाहिए ताकि आप आपका जो हाथ है वो ठीक हो जाए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपकी अगर ये प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप मुझे जो है इंस्टा पर फोटो वगैरह भेजें, जो भी आपका प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे मान लेते हैं कि आपकी हाथ का प्रॉब्लम है, किन्हीं का आँख का प्रॉब्लम होता है, नाक का प्रॉब्लम होता है, मैं देखूंगा उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, सजेशन दूंगा, आप उसके हिसाब से एक्सरसाइज या जो भी आपकी समस्या होगी वो जैसे ठीक होगा आपको वो करना है, तब जाके ये ठीक होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपका जो है एग्जाम वगैरह निकाल लिए, आपका मेडिकल है और मेडिकल आप अनफिट हो गए और फिर आपके पास एक दो सप्ताह का टाइम है और आप एक दो सप्ताह में ठीक करेंगे, तो वैसा नहीं होगा। इसमें आपको होगा ये कि रीमेडिकल के लिए जब आप जाएंगे तो फिर आप अनफिट होकर चले आ जाएंगे, फिर आपकी जितनी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगी कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ का जो भी आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आप पहले सॉर्ट आउट कर ले और फिर जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से आप उस स्टेप तक पहुँच पाते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर आपको जो है सो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो बड़ी टेंशन की बात है, और आपके लिए नहीं हम सभी के लिए भी। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप उसे ठीक करें, ठीक है।
है, और आपको कहीं कोई दिक्कत है तो मैं हूँ, इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर आके फॉलो करें और वहां पर डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करें, फोटो खींच के भेजें, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसे ठीक करने का प्रयास करूंगा। तो मैं हूँ आपका भाई, आज मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलता है कुछ ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।